पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी पर तीन विशेष योग बन रहे हैं, जिससे तीन राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक व्रत एवं त्योहार पर ग्रहों के गोचर से शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होता है, जिसका प्रभाव मानव जीवन और पृथ्वी पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी पर 300 साल बाद तीन शुभ योग बनने जा रहे हैं। यह योग शुक्ल योग, ब्रह्म योग और शुभ योग रहेंगे, जिससे तीन राशि के जातकों पर गणेश जी की विशेष कृपा रहने वाली है। साथ ही इन राशि वालों की धन दौलत में अपार बढ़ोतरी के असर है। आइए जानते हैं ये किन राशि के लोग हैं। मेष राशि, आप लोगों के लिए तीन शुभ योग का बनना लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, साथ ही आपके जो जरूरी काम रुके हुए थे वो बनेंगे। वही इस समय आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। करियर के लिहाज से बहुत ही शुभ फल देने वाला समय है, आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, कोई योजना सफल हो सकती है। वहीं इस समय आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, जो लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि, तीन शुभ योगों का बनना आप लोगों को लाभप्रद साबित हो सकता है। इस समय आपका भाग्योदय हो सकता है, साथ ही फंसा हुआ धन मिल सकता है। वहीं इस समय छात्रों को किसी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, साथ ही मेहनत करने पर आपको लाभ होगा और महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। वहीं जो लोग कारोबारी हैं, उनको इस समय अच्छा धन लाभ हो सकता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, साथ ही कार्य सिद्ध हो सकते हैं, साथ ही आय में वृद्धि होगी और पार्टनर के साथ पहले से और बेहतर होंगे। मकर, आप लोगों को तीन शुभ योग का बनना अनुकूल सिद्ध हो सकता है। आपको व्यवसाय में विशेष लाभ होगा और कार्य की सराहना होगी। इस बीच आपका मुनाफा बढ़ जाएगा, साथ ही इस समय आप छोटी या बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं, जो लाभकारी सिद्ध हो सकती है। वहीं इस समय नौकरी पेशा लोगों का इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है, साथ ही आपको शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में धन का लाभ हो सकता है।